वैलेंटाइंस डे में सुबह उठते साथ ही मुझे मिल गया है डांट, क्योंकि मैं सुबह सुबह उठ के मिस्टर जी को उठा रही थी तो उन्होंने बोला कि डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि उनको याद भी नहीं था कि वैलेंटाइंस डे करके। तो मैं तो उठ गई थी, उठ के लंच बनाई, ब्रेकफास्ट बनाई। ब्रेकफास्ट मतलब आज उठी थी मैं लेट, ब्रेकफास्ट में अलग कुछ नहीं बनाई, सिर्फ राइस और ये कॉलीफ्लावर आलू से मैंने फ्राई किया था, बस वही थोड़ा सा मैंने खा लिया था एज ए ब्रेकफास्ट, क्योंकि इतना वक्त मिला ही नहीं। और अगर वक्त नहीं मिलता है तो मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ और मैं चली जाती हूँ, जो मैं लंच के लिए बनाती हूँ वही थोड़ा सा खा के चली जाती हूँ। और यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरा जो वैलेंटाइन मेकअप है, वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आज ऑफिस यूनिफॉर्म पे ही जाना है, कोई अलग यूनिफॉर्म है नहीं, तो मैं एक नॉर्मल सा डेली मेकअप लुक कर रही हूँ, जिसमें ना मैं फाउंडेशन यूज़ करूँगी ना ही मैं बेबी क्रीम यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले मैंने ये दो चीज़ें यूज़ के लिए कर लिया है, टोनर और मॉइस्चराइज़र क्रीम। टोनर मैंने वहाँ पे यूज़ किया था, जो टोनर प्लस मॉइस्चराइज़र प्लस सनस्क्रीन होता है, बस 3 in 1 है, वो मैंने यूज़ किया था। और हाइलुरोनिक क्रीम मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन के लिए हाइलुरोनिक क्रीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो भी 20+ के होते हैं हाइलुरोनिक क्रीम ज़रूर यूज़ करना। उसके बाद स्किन जितना सेंसिटिव होता है उससे कहीं ज़्यादा सेंसिटिव लिप्स होता है, तो उसके लिए लिप को मैंने मॉइस्चराइज़ कर लिया है हिमालय की क्रीम से। फिर उसके बाद मैंने हल्का सा लाइनर यूज़ कर लिया, लेकिन लाइनर लगाते हुए थोड़ा सा आईलैशेस मेरा लग गया है, और अगर ऐसा कुछ लगता है ना तो मैं ये जो स्वाइप स्टिक है या फिर ईयरबड है, इस चीज़ से मैं करेक्ट कर लेती हूँ, पूरी तरह से मिटाती नहीं हूँ। उसके बाद आईब्रो को थोड़ा सा मैं फिल इन कर लूँगी। ये सारा जो सब कुछ है ना, ये एकदम नेचुरल मेकअप लुक है, बिल्कुल भी ओवर नहीं दिखने वाला है। और आईब्रो को पूरी तरह से नेचुरल दिखाने के लिए मैं यहाँ पे आईब्रो ब्रश से आईब्रो को ब्रश कर ले रही हूँ, जिससे कि पूरी तरह से नेचुरल दिखे मेरा मेकअप। और यहाँ पे लिप लाइनर मैंने यूज़ कर लिया है न्यूड कलर का, और लिपस्टिक भी मैं न्यूड कलर का यूज़ कर रही हूँ, माई ग्लैम का एकदम पीची कलर है, एकदम न्यूट्रल दिखेगा आपका लिप्स, थोड़ा सा पीछे पीछे दिखेगा, जो बिल्कुल सामने से हैवी नहीं दिखता है। ऑफिस मेकअप फुल लुक के लिए ना माई ग्लैम का ये वाला लिपस्टिक ना बहुत अच्छा है, और बिल्कुल भी पैची नहीं लगता है, बुलेट लिपस्टिक की जैसा लगता है, कुछ इस तरीके से है। फिर उसके बाद मैंने सर धोया तो लेवॉन का सिरम यूज़ करूँगी, और थोड़ा सा मैं कोम करके क्लिप लगा लूँगी। भाई दुल्हन हूँ तो उस हिसाब से सिंदूर लगाना तो बनता ही है, तो यहाँ पे मैं अपने हिसाब से जैसे मैं ऑफिस में मेकअप करती हूँ सिंदूर लगाती हूँ, बस उसी तरीके से थोड़ा सा लगा लूँगी। और उसके बाद मुझे लगाना है टिकली, क्योंकि टिकली के बिना ना पता नहीं मेरा फेस ना अच्छा ही नहीं दिखता है, तो मैं लगा लूँगी टिकली। और उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि बिना बेस मेकअप के भी लोग सुंदर लग सकते हैं, या फिर आपका स्किन बहुत सुंदर लग सकते हैं, आप दिखने में बहुत सुंदर लग सकते हैं, एकदम नेचुरल दिखेगा, सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि आपने थोड़ा बहुत मेकअप किया है करके, एकदम नेचुरल दिखने वाला। मैं सामने आके दिखाती हूँ आपको कि आज का मेरा वैलेंटाइन मेकअप लुक कुछ इस तरीके से है, एकदम नेचुरल और न्यूट्रल है ना। फिर उसके बाद पतिदेव जी भी उठ गए हैं, और वो भी उठ के कैमरा के सामने थोड़ा बहुत नौटंकी कर रहे हैं, और मैंने बताया कैमरा चालू है करके।